सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के और एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कैमरा कंपैरिजन की बात करूंगा LG G7 Plus ThinQ वर्सेस Galaxy S9 Plus के बारे में। काफी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा था कि क्या LG G7 Plus Galaxy S9 Plus को बीट करेगा या फिर उसके लेवल तक आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो एक्चुअली इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा चलो एक कंपैरिजन करके देख लेते। तो इन दोनों फोन्स के बीच में मैंने कैमरा कंपैरिजन कर दिया है, तो आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, क्या LG G7 Samsung Galaxy S9 Plus के बराबर में आ पाएगा या फिर उससे थोड़ा कम गिरेगा। आगे आने वाले वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेलाइट कंडीशंस की ये सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus की फ़ोटो है और LG G7 Plus की फ़ोटो है। थोड़ी शार्प दिख रही है फ़ोटो। साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो मुझे पर्सनली G7 Plus की फ़ोटो थोड़ी शार्प लगी, और ये जूम करने के बाद G7 Plus में थोड़े डिटेल्स ज़्यादा है। अभी S9 Plus की एक फ़ोटो है डेलाइट कंडीशन ग्रीन कलर का, और ये LG G7 Plus की है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो S9 Plus काफ़ी ब्राइट लग रहा है, अच्छा लग रहा है फोटो। अभी इस फोटो में भी LG G7 काफ़ी शार्प लग रहा है एज़ कम्पेयर टू S9 Plus। और साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो G7 Plus ब्राइट भी है और थोड़ा शार्प भी है, और जूम करने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है। इस फोटो में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी इसमें आप पेड़ के डिटेल्स देख सकते हो, और इस फोटो में देख सकते हो LG G7 Plus की फोटो। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो S9 Plus बेटर है, लेकिन G7 Plus भी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें भी G7 Plus थोड़ी शार्प फोटो आई है, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है। तो ये एक फ़ोटो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी गैलेक्सी S9 Plus की, और ये G7 Plus की है। दोनों ही डायरेक्ट सनलाइट में खींची हुई फ़ोटो थी, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है। दोनों ही फ़ोटो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये भी एक डायरेक्ट सनलाइट में खींची हुई फ़ोटो है गैलेक्सी S9 Plus, और एक G7 Plus की डायरेक्ट सनलाइट में खींची हुई फ़ोटो है। दोनों ही पिक्स में कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर फ़ोटो है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर का डिफरेंस है। अभी S9 Plus की ब्लू कलर रिप्रोडक्शन चेक करने के लिए खींची हुई फ़ोटो थी, और ये LG G7 Plus की थी। साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस फोटो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोज है दोनों ही कैमरा की। इस फोटो में मुझे LG G7 Plus की फोटो थोड़ी शार्प और वाइब्रेंट लगी, और S9 Plus और G7 Plus के साइड बाय साइड कंपैरिजन में पर्सनली G7 Plus बेटर लगा। इस फोटो में भी आप देख सकते हो G7 Plus थोड़ा शार्प है फोटोज़ में, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद थोड़ी सी हल्की सी शार्पनेस G7 Plus में ज़्यादा है। इस फोटो में साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद S9 Plus की फ़ोटो बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू G7 Plus।
ओवरऑल डे लाइट कंडीशन में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन G7 प्लस हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि उसके शार्पनेस की वजह से, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, एक हल्की सी शार्पनेस लेवल G7 प्लस में थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू S9 प्लस। अभी ये एक फ़ोटो है ह्यूमन सब्जेक्ट की S9 प्लस की और ये G7 प्लस की फ़ोटो है। आप देख सकते हो शार्पनेस में कितना डिफरेंस है जो मैं बोल रहा था। वो साइड बाई साइड कंपेयर करने के बाद G7 प्लस में डेफिनेटली डिटेल्स बेटर है। ये पोर्ट्रेट मोड है S9 प्लस बैक कैमरा और ये G7 प्लस का पोर्ट्रेट मोड है बैक कैमरा। साइड बाई साइड कंपेयर करने के बाद G7 प्लस मुझे डेफिनेटली बेटर लगा, लेकिन ये पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अभी एक सेल्फी फ़ोटो है और उसमें बैकग्राउंड भी ब्लोन आउट हो गया है और ये G7 प्लस में भी बैकग्राउंड पूरा ब्लोन आउट हो गया है, और दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे G7 प्लस के कलर्स थोड़े बेटर लगे क्योंकि मेरी एक्चुअल टी शर्ट की कलर ब्लैक कलर की थी, टोटल ब्लैक। ये एक पोर्ट्रेट मोड है S9 प्लस का और ये G7 प्लस का फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट मोड है, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अभी चलते हैं लो लाइट कंडीशन में और ये S9 प्लस की फ़ोटो है और ये G7 प्लस की फ़ोटो है। हालांकि कहा जाता है कि S9 प्लस लो लाइट में सबसे बेस्ट फ़ोन है, देखते हैं अभी कैसा है। साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर सी फ़ोटो है। अभी ये एक फ़ोटो है काफ़ी कमाल की S9 प्लस की काफ़ी लो लाइट में, और इसमें सैमसंग का कमाल आप देख सकते हो क्योंकि ये G7 प्लस में कितनी ओवर एक्सपोज और ओवर सैचुरेट हो गई है फ़ोटो। साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद डेफिनेटली S9 प्लस की फ़ोटो काफ़ी नेचुरल और बेटर है। ये और एक S9 प्लस की फ़ोटो है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं लो लाइट में, और ये G7 प्लस की नॉर्मल मोड से खींची हुई फ़ोटो है और ये G7 प्लस की सुपर ब्राइट मोड से खींची हुई फ़ोटो है। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ जाता है, और साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली S9 प्लस बेटर है क्योंकि उसके कलर्स नेचुरल और एक्यूरेट है। अब ये और एक S9 प्लस की फ़ोटो है लो लाइट कंडीशन और ये G7 प्लस की फ़ोटो है, काफ़ी हुई ओवर एक्सपोज फ़ोटो है ये, और साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद अब ये पर्सनल चॉइस पे जाता है कि किसी को S9 प्लस पसंद है, किसी को G7 प्लस पसंद है। इस फ़ोटो में डेफिनेटली G7 प्लस काफ़ी अच्छा है, बेटर है। तो लो लाइट फ़ोटो में मुझे पर्सनली S9 प्लस बेटर लगा ओवरऑल कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो। हालांकि G7 प्लस भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन कभी कभी ओवर एक्सपोज या ओवर सैचुरेटेड हो जाता है। तो लो लाइट कंडीशन में ओवरऑल गैलेक्सी S9 प्लस को वोट दे दूंगा, लेकिन इसमें आप देख सकते हो G7 प्लस में शार्पनेस और डिटेल्स कितनी बेटर है। तो ये इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है कि किसी किसी को S9 प्लस की नेचुरल फ़ोटो बेटर लगेगी तो किसी किसी को G7 प्लस की ओवर एक्सपोज और ओवर सैचुरेटेड फ़ोटो बेटर लगेगी। पर्सनल चॉइस है ये हर किसी की। अब ये फ्रंट फेसिंग वीडियो फुटेज है 1080p 30fps। और ऑलमोस्ट सिमिलर सा इफेक्ट है, स्किन टोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों की वीडियो फुटेज में। काफ़ी अच्छी वीडियो फुटेज है। LG में हल्का सा कलर्स एक्यूरेट बता रहे हैं एज़ कम्पेयर टू S9 प्लस। S9 प्लस थोड़ा वार्म टोन पे चला जाता है। और ये बैक कैमरा की 1080p 30fps फोटो है और इसमें मुझे पर्सनली गैलेक्सी S9 प्लस बेटर लगा क्योंकि आप देख सकते हो G7 प्लस में थोड़ा ब्लर इफेक्ट आ रहा है। गैलेक्सी S9 प्लस काफ़ी स्टेबल है, OIS भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कैमरा बेटर लगा, गैलेक्सी S9 प्लस या LG G7 प्लस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको LG G7 पसंद आया या फिर गैलेक्सी S9 प्लस पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।